यहाँ साग भी काट कर ले लिया और चावल भी भिगो लिया और सोयाबीन और आलू की सब्जी बनेगा। One hour later. देखिए हस्बैंड और बेटा तैयार हो गया ऑफिस और स्कूल के लिए। बाय बाय। बेटा भी तैयार हो गया। लास्ट एग्जाम। A few moments later. बेटा और हस्बैंड जाने के बाद मैं किचन में आ गई तो आल मिल्क को बहुत अच्छी तरह से बॉयल करके रखी थी तो आज बहुत अच्छी तरह मलाई बैठ गया तो मलाई को उठा के रख दूँगी। इससे मैं घी बनाऊँगी तो अभी वही कर रही हूँ। बाद में किचन साफ करूँगी, कुछ बर्तन धोऊँगी, फिर मेरे पूजा होगा। One hour later. तो गाय जैसे कि देख सकते हैं मैं पूरा फ्रेश होकर आ गई नहा के। पूजा भी मेरा हो गया और पूजा बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक पूजा ना दो एक बेचैनी रहती है कब पूजा होगा, वो देर ना हो जाएगी ही। पूजा कर लिया और पूजा के बाद और कुछ काम है वो ही करूँगी, फिर बेटे को लाने जाऊँगी स्टैंड से। तो गाइस देखिए अभी जा रही हूँ बेटे को लाने स्टैंड पे, क्योंकि एग्ज़ाम शुरू हुआ है तो अभी छुट्टी हो गए इसका। तो अभी जा रही हूँ बेटा भी स्कूल से आ गया, आज एग्जाम खत्म हो गया तो इसीलिए बहुत खुश हो रहे हैं। I am the rabbit. A few moments later. तो लंच की तैयारी हो गई है। तो आज के लंच में है दाल साग और सोयाबीन की सब्जी। कसम से आज पूरा शाम का टाइम है तो टिफिन लिया हूँ बेटे के लिए आम दूध मुड़ी और मेरे लिए लेमन टी और पोहा फ्राई। देखिए रात के डिनर की तैयारी हो गया। डिनर में राजमा और सोयाबीन की सब्जी, आम दूध और रोटी आज के डिनर। तो डिनर की तैयारी हो गया, आप दे आती हो मेरे बेटे को महाराज जी को। महाराज जी का क्या फेस देखिए, फेस देखिए शर्म से मरे मरे। तो गाइस आज का ब्लॉग यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग पर। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।